मैनेजर मिस्टर करसन कापड़िया है। इतना बड़ा महासर्प मुंबई में कहाँ घूम रहा होगा? मैंने आज तक यही देखा, जिस पर भी आपने शक किया उसकी जान जानी। पाठक जी, शुक्रिया अदा नहीं करोगे? आपकी जान बचाई। मैं कहता अगर आप इसे जीवित रखते हुए मेरी जान बचा। बड़ी अजीब बात कर रहे हैं पाठक जी आप। एक सेकंड और डिले करता ना तो आप एनाकोंडा के पेट में अंतिम सांसें ले रहे होते। एनाकोंडा मारा गया, अब किसी को खतरा नहीं, कहानी खत्म। बहुत ही दुख हो रहा है मुझे कि एक बेगुनाह जानवर, एक सांप, पुलिस की गोली का शिकार हो गया, जबकि असली गुनेगार, असली कातिल मिस्टर पाठक के क्लाइंट है मिस्टर कापड़िया। विचित्र बात है मिस्टर शिक्षक, आप अब भी वही पुराना राग आलाप रही है। मैं सही तो कह रही हूँ मिस्टर पाठक, अगर उस रात मिस्टर कापड़िया ने उस सांप को उस पिंजरे से रिहा नहीं किया होता और उसे हथियार बनाकर मिस्टर जगासिया का मर्डर नहीं किया होता तो आज मिस्टर जगासिया जिंदा होते और वो सांप वो उनके फार्म हाउस की रौनक बढ़ा रहा होता। योर ऑनर, सर्वप्रथम तो मैं अदालत को स्मरण कराना चाहूंगा कि जब इस सांप की हत्या की गई, ये मुझ पर आक्रमण कर रहा था, मुझे खाने वाला। अब कुछ समय के लिए अगर मिस दीक्षित की बात को मान लिया जाए कि ये सांप करसन भाई या फिर करसन भाई के किसी आदमी के हाथों में था जो उसका संचालन कर रहा था, तो फिर सोचने वाली बात है मिस दीक्षित कि जिनका मैं बचाव कर रहा हूँ, जिन्हें मैं निर्दोष प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो मुझे पर आक्रमण करवाए। फिर कौन हो सकता है इसके पीछे मिस्टर पाठक? एनाकोंडा मृत ही सही लेकिन पकड़ा तो गया, लेकिन जो इसका इस्तेमाल कर रहा था उस असली मुजरिम तक कैसे पहुंच पाएंगे? जज साहब, मुझे तो लगता है कि असली मुजरिम एनाकोंडा ही था। वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो पिंजरे से बाहर आ गया होगा और जैसे ही केशव उसके सामने गए तो उसे मार डाला और वो ट्रॉली में सवार होकर कहीं चला गया। मिस्टर कापड़िया, आप क्या कह रहे हैं? आप थोड़ा सा सोच समझ कर तो कहानियां बुनिए। मतलब अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि उस एनाकोंडा को कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है जो उसे ट्रॉली से यहाँ से वहां लेकर जा रहा है, और वो इंसान है आप ही का कोई सहयोगी जिसने मिस्टर पाठक पे हमला करवा के इस अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। क्यों मिस्टर पाठक? मिस्टर पाठक, आप कहाँ खो गए? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। वो जो सांप था, जरा रिमोट देंगे? योर ऑनर, मैं एक बार एनाकोंडा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बार फिर देखना चाहूंगा। क्या नाम है आपका मिस दीक्षित? आप जानती हैं कि ये जो मृत एनाकोंडा है इसकी लंबाई कितनी थी? यहाँ पर मिस्टर पाठक, एक बेचारे मरे हुए एनाकोंडा की लंबाई चौड़ाई नाप कर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? वैसे योर ऑनर, ये जो मृत एनाकोंडा इसकी लंबाई 27 फीट 8 इंच थी योर ऑनर। अब वो जो एनाकोंडा, ये वो योर ऑनर, ये वो सूची है, उस एनाकोंडा की सूची है जो इस एनाकोंडा को केशव जी ने ब्राजील से मंगवाया था, भारत कानूनी रूप से इंपोर्ट किया था। अब अचरज की बात है कि उस एनाकोंडा की लंबाई योर ऑनर 29 फुट 2 इंच था, जबकि इस एनाकोंडा की लंबाई 27 फुट 8 इंच है योर ऑनर।
इसका ये अर्थ होता है योर ऑनर कि ये वो एनाकोंडा नहीं है जो केशव जी ने मंगाई थी, जिसका ये अर्थ होता है योर ऑनर कि ये कोई दूसरा ही एनाकोंडा है। ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर पाठक, ये एनाकोंडा एक से दो कैसे हो गए? हाँ, तो हो सकता है कि वो कोई प्रिंटिंग एरर हो, मतलब इस बात का बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये कानूनन सरकारी दस्तावेज है, इस पर भारत और ब्राजील दोनों देशों के कस्टम्स की मोहर है, तो इस पर लिखी गई सूची में भूल कैसे हो सकता है योर ऑनर? एनाकोंडा तो एक ही मंगवाया था केशव जी ने, ये दूसरा कहाँ से आया? आप कहें तो मैं अर्नव को बुलाऊं। यस योर ऑनर, मैं भी अपने भाई के साथ अमेजन के ट्रिप पे गया था। सबसे पहले हम वहाँ जंगल पहुँचे, वहाँ से हमने एनाकोंडा को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे इम्पोर्ट करके ब्राजील लेके गए। जिस वक्त ब्राजील में उसकी लंबाई नापी जा रही थी, उस वक्त भी मैं वहाँ पर था, और वहाँ नापी गई लंबाई और इस वक्त जो कोर्ट रूम में पेपर में लंबाई है, वो दोनों सेम। हाँ, तो हो सकता है कि वो एनाकोंडा जो है वो सिकुड़ गया हो। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कि बच्चे की अगर अच्छे से देखभाल ना की गई हो, उसे अच्छा खाना पीना ना दिया जाए, तो उसकी सेहत पे असर होता है। तो हो सकता है कि मिस्टर कापड़िया या जिसको भी इन्होंने एनाकोंडा हैंडओवर किया है, उसे अच्छे से देखभाल नहीं की और वो बेचारा एनाकोंडा सिकुड़ गया। मिस दीक्षित, मतलब आधारहीन तथ्य रखने की भी एक सीमा होती है। देखिए, अगर एनाकोंडा को ठीक से खिलाया पिलाया ना जाए तो संभव है कि वो दुबला हो जाए, वो अस्वस्थ हो जाए, लेकिन सिकुड़ नहीं सकता। योर ऑनर, इतना तो अब तक तय है कि एक नहीं दो एनाकोंडा है। एक एनाकोंडा ये जिसकी मृत चित्र हमने यहाँ अदालत में देखी, और दूसरा अब भी कहीं बाहर घूम रहा है। तीन हत्याएं हो चुकी है योर ऑनर एनाकोंडा द्वारा, तो ये कहना कठिन है योर ऑनर कि किस एनाकोंडा ने किस व्यक्ति की हत्या की। किंतु इतना तय है कि लावण्या जी की हत्या इसी मृत एनाकोंडा ने की है जिसने मुझ पर भी प्रहार किया था, क्योंकि पशु अस्पताल में डॉक्टरों ने इस एनाकोंडा के पेट से लावण्या जी का मोबाइल फोन निकाला। ठीक है, मान लिया आपकी बात मिस्टर पाठक कि ये एक डिफरेंट एनाकोंडा है या था जो भी, लेकिन जो एनाकोंडा मिस्टर जगासिया के घर पर था और जो अभी लापता है, मिस्टर जगासिया को उसी से मारा गया था, और वो मारने वाला और कोई नहीं मिस्टर कापड़िया ही है। देखिए मिस्टर दीक्षित, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एनाकोंडा वहाँ केशव जगासिया के घर पर था उसका अपहरण कर लिया गया हो, और ये मृत एनाकोंडा जो पता नहीं कहां से आया, जिसने मुझ पर प्रहार किया था, जिसने लावण्या जी पर प्रहार किया, उसी के द्वारा केशव जी को मरवाया गया हो। पॉसिबल? नो योर ऑनर, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर वहां पर दूसरा एनाकोंडा लेकर आता कोई, तो जाहिर सी बात है उसे हाथ में तो नहीं लेकर जाता था। उस एनाकोंडा की वो खास ट्रॉली होती है, उसमें लेकर जाता कोई, और फिर केशव जी की हत्या करने के बाद उसी ट्रॉली में वो एनाकोंडा को रखकर उसे कोई लेकर जाता वापस। लेकिन मिस्टर केशव के यहाँ से एनाकोंडा के साथ साथ वो खास ट्रॉली भी गायब थी। इसका मतलब यही है कि वो जो पहला एनाकोंडा है उसी से केशव जी को मारा गया, उसे ट्रॉली में रखकर कोई वहां से लेकर गया। योर ऑनर, मिस दीक्षित ने दलील तो अच्छी रखी है, किंतु मेरी समझ के बाहर की बात है योर ऑनर, क्योंकि मेरे मन में इतने सारे प्रश्न उठ रहे हैं जिनका उत्तर नहीं। कि अगर उस एनाकोंडा का अपहरण कर दिया गया था जो केशव जी ने मंगवाया था, तो फिर वो एनाकोंडा गया कहाँ यार? उसे कौन ले गया? और ये दूसरा, ये मृत एनाकोंडा जिसने मुझ पर प्रहार किया था, लावण्या जी पर प्रहार किया था, क्या नताशा जी पर भी इसी मृत एनाकोंडा ने प्रहार किया, या उसने जो अभी लापता है? और जो लापता है वो तो केशव जी ने मंगवाया था ब्राजील से, तो ये दूसरा एनाकोंडा आया कहाँ से? क्योंकि भारत देश के की सीमा पर जितने देश है योर ऑनर, वहाँ एनाकोंडा तो पाया नहीं जाता, केवल दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है योर ऑनर। फिर वो एनाकोंडा वहाँ से आया कैसे, किसने मंगवाया है योर ऑनर? ये सारे प्रश्न जो है योर ऑनर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे भाई के मर्डर के पीछे एंडी पिपकिन का हाथ है। रॉन्ग।
Your Honor, I want to say something. I want to confess. Your Honor, it's right. ये वो एनाकोंडा नहीं है जो हम लोगों ने मिस्टर जगेसिया को सेल किया था। ये उसका पेपर है। Your Honor, एंडी सच कह रहा है। इस सूची में ऐसा लिखा है कि जो एनाकोंडा ये है उसकी लंबाई 27 फीट 8 इंच है। मिस्टर एंडी, ये दो एनाकोंडा के पीछे की कहानी क्या है? Your Honor, Amazon के जंगल में हमने एक नहीं दो एनाकोंडा को पकड़ा था। ऑर्डर ऑर्डर। दूसरा एनाकोंडा हम लोग सीक्रेटली छुपा कर लाए थे। अरमान खान, इंडियन फिल्म एक्टर। दूसरा एनाकोंडा हम उसके लिए लाया था। Arman is very fascinated with anaconda and wants one in his Kasara farm house. वहाँ आप उस पेपर में नीचे देखेंगे तो उसका नेम एंड एड्रेस होगा। यानी कि ये anaconda आपके पास था एंडी? Yes, Your Honor, हमारे पास ही था। But जैसे कल हम अपने होटल के रूम में पहुँचा, anaconda को किसी ने वहाँ से चुरा लिया। Your Honor, संदेहजनक बात है। 27 फीट 8 इंच का एनाकोंडा किसी होटल से चोरी करके ले जाना ये संभव बात तो नहीं है। That's why I'm also surprised. Your Honor, मुझे एंडी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं नहीं मानता कि इनके होटल के कमरे से इनके अतिरिक्त और कोई उस एनाकोंडा को लापता कर सकता था। हम खुद क्यों उसे गायब करेगा मिस्टर पाठक? एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि आपके कमरे से, आपके होटल के कमरे से किसी ने उस एनाकोंडा को गायब किया। इस बात की जानकारी सूची आपने पुलिस को क्यों नहीं दी? पुलिस में तो कोई एनाकोंडा के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं। मैं एनाकोंडा को ढूंढने में बिजी था इसलिए कोर्ट भी टाइम पे नहीं पहुँच सका। वो तो किसी ने हमको बताया कि एनाकोंडा केडी पाठक की ऑफिस में मारा गया, तो मैं डायरेक्ट इधर भागा भागा आया। सही है योर ऑनर, एंडी बिल्कुल सही कह रहा है। मतलब उसे क्या जरूरत है किसी का खून करने की? हो सकता है मिस्टर जगासिया ने उसे कम पैसे दिए, और इतनी सी नाराजगी के लिए कोई किसी की जान थोड़ी लेता है। हाँ तो फिर करसन भाई की नाराजगी इससे तो बड़ी तो है नहीं। मैं जानती थी आप यही प्रश्न पूछेंगे, मैंने आंसर रेडी रखा है। योर ऑनर, 13 जनवरी की रात को मिस्टर करसन के मिस्टर जगासिया के घर पर होने के पूरे सबूत है हमारे पास। लेकिन जैसा कि आपने पुलिस को बोला था मिस्टर पिपकिन के बारे में पता करने के लिए, तो इंस्पेक्टर पवार ने पता लगाया है। मिस्टर पिपकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने रात को 9:30 बजे एवरग्रीन होटल में चेक इन किया था और फिर उसके बाद सुबह 8 बजे उन्होंने चेकआउट किया। इसका मतलब वो मिस्टर जगासिया के मर्डरर नहीं हो सकते और ना ही वो पहला एनाकोंडा इनके पास है। Now the thing is that कि हमारा एनाकोंडा मारा गया और वो जो दूसरा एनाकोंडा है वो फीमेल एनाकोंडा है एंड शी इज नाउ टू डिलीवर। उसका फ्री घूमना बहुत खतरनाक है। एक मारा एनाकोंडा मुंबई में सरेआम घूम रही है, मतलब पता नहीं अभी और कितने एनाकोंडा यहाँ मुंबई शहर में देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली, और उससे पहले हमको उसको पकड़ना होगा योर ऑनर। मिस्टर एंडी, पर ये पता कैसे चलेगा कि एनाकोंडा है कहाँ? योर ऑनर, एनाकोंडा ऐसा स्नेक है जो बहुत देर तक पानी के बगैर नहीं रह सकता। एंड आई नो, अगर वो आजाद है तो किसी लेक या किसी पॉन्ड के आसपास मिलेगा। हम उसे बहुत जल्दी ढूंढ निकालेगा योर ऑनर, प्लीज गिव मी सम टाइम।
केस बड़ा ही विचित्र मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। इस केस को अगर प्रारंभ से देखें तो दो एनाकोंडा थे, एक केशव के पास, दूसरा एंडी के पास। जब केशव की हत्या हुई तो हत्यारा उस एनाकोंडा को लेकर फरार हो गया, जिसके तुरंत बाद नताशा और लावण्या की हत्या हुई, लेकिन उस एनाकोंडा द्वारा नहीं जो केशव के पास था, बल्कि उस एनाकोंडा द्वारा जो एंडी के होटल के रूम से चोरी हुआ। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि अगर हत्यारे के पास एक एनाकोंडा पहले से था तो उसे दूसरे एनाकोंडा को चोरी करने की क्या आवश्यकता थी। वैसे भी एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है दो एनाकोंडा संभालना, और यदि ऐसा कोई कर सकता है तो वह एनिमल एक्सपर्ट एंडी। हाँ, शक की सुई बार बार घूमकर एंडी पर आकर अटक रही। करेक्ट, क्योंकि इस केस से जुड़े जितने व्यक्ति हैं उसमें से केवल एंडी उसका व्यवसाय ही है आंखों को पकड़ना, और जिस प्रकार से ये एनाकोंडा अलग अलग स्थान पर हत्या कर रहा है, यहां मुझे मारने के लिए मेरे ऑफिस भी आ गया था। पूरी तरह से सब लग रहा है कि ये एंडी के अतिरिक्त और किसी का काम नहीं हो सकता। मेरा डाउट सही निकला। मैं जानता था कि ये तुम ही हो जिसने मेरा सांप। But why? क्या है इस ट्रॉली में? अभिनय ट्रॉली के पहियों के निशान, आदमियों के जूतों के निशान, कौन ला सकता है एनाकोंडा को ट्रॉली में? सर, ये घड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा यहाँ पर मिला। ऊपर कर। योर ऑनर, दुर्भाग्यवश स्नेक कैचर एंडी पिमकिन की हत्या कर दी गई है। एक समय मुझे ऐसा लगा था कि सारी हत्याओं के पीछे एंडी का ही हाथ है, किंतु अब योर ऑनर स्पष्ट है कि जो भी हत्याएं हुई है, केशव जी, नताशा, लावण्या और मुझ पर जो जानलेवा हमला किया गया था एनाकोंडा द्वारा, उसके पीछे किसी और का हाथ है। योर ऑनर, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। मैं तो पहले से कह रही थी कि वो एनाकोंडा कहीं घूम नहीं रहा है, उसे मिस्टर कर्सन ने मिस्टर जगाचिया के घर से अगवा किया है और इन्हीं का कोई आदमी उसका इस्तेमाल कर रहा है। योर ऑनर, मिस दीक्षित की आधी बात सत्य है, आधी बात मिथ्या। ये सत्य है कि कोई है व्यक्ति जो उस एनाकोंडा का प्रयोग करके, उपयोग करके लोगों की हत्याएं कर रहा है, लेकिन वो करसन भाई या करसन भाई का कोई आदमी नहीं है। मैं अपनी बात प्रमाणित किए देता हूँ मिस दीक्षित। योर ऑनर, घटना स्थल से, उस स्थान से जहां एंडी की हत्या की गई एनाकोंडा द्वारा, वहां से पुलिस ने घड़ी की ये कड़ी प्राप्त की, और हम जान गए हैं कि ये कड़ी किसकी है। योर ऑनर, उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। कौन है मिस्टर पाठक? मिस्टर पाठक, आपको कोई गलत फहमी हुई। अब प्रणाली जी, गलत फहमी हुई है या नहीं ये तो बहुत शीघ्र पता चल जाएगा। योर ऑनर, ये कड़ी जिस घड़ी की है वो बहुत ही विशेष क्रमांक की घड़ी है। योर ऑनर, स्विस मेड क्लासिक कंपनी की क्यू सीरीज जो अभी अभी बाजार में उपलब्ध हुई है, और मेरे सहायक वरुण ने जब पुलिस के साथ मिलकर छानबीन की तो ये पाया कि मुलुंड शोरूम से 16 जुलाई को ऐसी एक घड़ी बेची गई थी और खरीदने वाली मिस प्रणाली थी। सही कह रहा हूँ मैं या सही कह रहा हूँ? क्या यह सच है प्रणाली कि आपने ऐसी ही घड़ी खरीदी थी? जी योर ऑनर, खरीदी। योर ऑनर, इन्होंने खरीदी होगी वो घड़ी, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि ये उसी घड़ी का हिस्सा है? तो योर ऑनर, अदालत को वो घड़ी बताएंगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये घड़ी इनके घड़ी की है या नहीं। देखिए, वो घड़ी मेरे पास नहीं है। अच्छा, खरीदी थी आपने, लेकिन वो घड़ी आपके पास नहीं है, ऐसा कैसे? क्योंकि वो घड़ी मैंने अपने लिए नहीं,
अपने भाई अर्णव के लिए खरीदी। यस योर ऑनर, प्रणाली ने मुझे वो घड़ी गिफ्ट में दी थी। कहाँ है वो घड़ी इस समय? मिस्टर पाठक, एक्चुअली वो इटली से मेरे कुछ बिजनेस के फ्रेंड्स आए थे और उनमें से एक को वो घड़ी पसंद आ गई तो मैंने उसे गिफ्ट कर दिया। मेरा ऐसा अनुमान है कि वो घड़ी आपके पास ही है और आप झूठ बोल रहे हैं, अदालत में नहीं दिखा रहे उस घड़ी को, क्योंकि अगर आप दिखा दें तो डर है आपको कहीं हम ऐसा ना मान ले कि आप ही ने। योर ऑनर, मैंने एंडी का खून नहीं किया है, पर आप खामखा क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? देखो अर्णव, आपकी बहन प्रणाली ने बताया था कि आपके कहने पर वो केशव के घर गई थी 14 जनवरी की सुबह, और जाते ही वहां उन्होंने केशव जी की लाश को पाया। अभी उन्होंने पुलिस को फोन करके बुलाया था, आप ही के कहने पर गई थी ना आपके प्रति आपके भाई साहब से ऋण मांगने। योर ऑनर, मैं अपने भाई से बिजनेस के लिए लोन तो ले ही सकता हूँ ना, और मिस्टर पाठक इसमें गलत क्या है? हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, और यही तो मुद्दा भी है अर्णव जी। मुद्दा ये है योर ऑनर कि अर्णव और केशव के पिता श्याम भाई जगासिया ने अपना ये व्यवसाय स्वयं अपने बलबूते पर खड़ा किया। उनकी मृत्यु के बाद बड़े भाई केशव ने व्यवसाय की बागडोर संभाली है। इस बात को लेकर बड़े भाई और छोटे भाई अर्णव में क्लेश हुआ, जिसके समाचार मीडिया में भी छपे योर ऑनर, जिसके चलते दोनों भाइयों में धन संपत्ति को लेकर बंटवारा हो गया। लेकिन अर्णव जी, आप उस बंटवारे से संतुष्ट नहीं थे, और तभी तो योर ऑनर, जब इनका व्यवसाय डूबा तो नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए इन्हें अपने भाई केशव से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ी। सही सही कह रहा हूँ योर ऑनर? ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ये सब गलत है, बकवास है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ योर ऑनर, और जैसे कि मैंने कहा, नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए अर्णव को अपने बड़े भाई केशव से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ी, तो इसी की मांग रखने के लिए ये अपने भाई केशव के ऑफिस गए थे, जहां अकस्मात उस दिन एंडी भी पहुंचा था। यार मिस्टर जगासिया, यू चीटेड मी। वही दिन था यार ऑनर, वही दिनांक 13 जनवरी, जब अर्णव केशव के पास गया और ऋण की मांग रखी। केशव ने ऋण देने से मना कर दिया। अर्णव, अभी इतने सारे पैसे मैं नहीं दे सकता हूँ, और उसी रात उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद योर ऑनर, ये अपने भाई साहब केशव के घर पहुंचे, पिंजरा तोड़ा, एनाकोंडा को वहां से निकाला, एनाकोंडा द्वारा अपने भाई की हत्या की, जिसके पश्चात एनाकोंडा को ट्रॉली में डालकर ये अपने साथ ले गए। योर ऑनर, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ये सब गलत है, बकवास है। बिल्कुल सत्य है योर ऑनर। मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक, आप शायद भूल रहे हैं कि केशव जगासिया के अलावा और भी हत्याएं हुई हैं, जिसके पीछे अर्णव जगासिया के होने का कोई लॉजिक मुझे नजर नहीं आ रहा। देखिए, अभी सामान्य ज्ञान अनुसार बात करें तो अर्णव ने केशव जी की हत्या क्यों की, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, क्योंकि ये अपने पाए हुए हिस्से से नाखुश थे और पाना चाहते थे अपने बड़े भाई से, जिन्होंने इनकार कर दिया, तो उनका हिस्सा पाने के लिए इन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या की। पर दुर्भाग्यवश बड़े भाई के जाने के बाद में वो धन संपत्ति उनकी पत्नी लावण्या की हो जाती थी, तो हिस्सा इन्हें वैसे भी नहीं मिल पाता, तो उसे पाने के लिए इन्होंने लावण्या जी की हत्या की। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एंडी और नताशा को इनके ये जो षड्यंत्र इन्होंने रचा था उसके बारे में पता चल गया होगा, जिसके चलते ये नहीं चाहते थे कि वो बात बाहर आए, इसीलिए इन्होंने दोनों का मुंह बंद कर दिया, उन्हें रास्ते से हटा दिया, उनकी हत्या कर दी। बहुत बोल चुके आप, अब तक मैं आपको एक जेन्युइन और अच्छा वकील समझता था, लेकिन आप, खैर छोड़िए उस बात को। योर ऑनर, विद रिस्पेक्ट, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं वो एक एनाकोंडा की वजह से हुए। आप मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे रिलेटिव्स, सब जगह पता कर लीजिए, सब जगह की चेकिंग करा लीजिए, अगर आपको कहीं पर भी एनाकोंडा मिल जाए मुझे कातिल करार कर दीजिए। और जब तक एनाकोंडा नहीं मिलता तब तक आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी बात तो सही मिस्टर पाठक, जो तर्क आपने अभी अभी प्रस्तुत किया है उसे मैं दरकिनार नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ उसके बूते पर
अर्णव जगासिया को खूनी करार देना सही नहीं होगा। सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि एनाकोंडा इस वक्त है कहाँ और किसके पास है। उसके बाद ही यह अदालत किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाएगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अरे पता नहीं यार मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं। सुन तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं ना। हाँ गंगाराम बिना बेवकूफ है। डिक्की का ताला भी टूटा हुआ है। मुझे तो लगता है अर्णव ही खाती है। एनाकोंडो को यहाँ लेके आया होगा और इसी का पासा इस पे उल्टा हो गया। हो सकता है बाबा, पर जब तक सांप नहीं मिल जाता ऐसे केस सॉल्व नहीं होगा। हमारे आने से पहले एनाकोंडा कहीं चला जाता है। अब पता नहीं उसका अगला शिकार कौन होगा। हेलो कहाँ? वही रुकिए, हम लोग आ रहे हैं। एनाकोंडा का पता चल गया, प्रणाली के घर में। थैंक गॉड, ये तो पता चला कि एनाकोंडा हैगा। एक काम करो, एनिमल डॉक्टर को फोन करो और बोलो कि बेहोशी की डार्ट गन ले और वहां पहुंचे। अभी लगा दो। इधर है एनाकोंडा। वो वहां बाथरूम में। चलो लोग ये बताइए, एनाकोंडा आया कैसे? पता नहीं, ये ऑफिस से आए थे और मैं वॉशरूम गई थी। इस केस से सारे जुड़े लोगों पर एनाकोंडा ने हमला किया। अब तो ऐसा कोई बचा भी नहीं है जिस पर पाठक जी उंगली उठा सके। शांत रहिए, रोने से क्या फायदा, गया एनाकोंडा भी। कृपया अनुराग जी ये बताइए कि ये एनाकोंडा आपके घर में कैसे आया? पता नहीं सर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आप प्रणाली के पति हैं? जी।
क्या करते हैं आप, क्या कार्य है आपके, क्या व्यवसाय है? मैं होटल में मैनेजर हूँ। अच्छा, होटल में मैनेजर है जी। किस होटल में? प्लाजा होटल। प्लाजा होटल, तो ये तो वही होटल है जहाँ योर ऑनर एंडी पिपकिन ठहरे थे और एंडी पिपकिन ने हमें बताया था। जैसे कल हम अपने होटल के रूम में पहुंचा, योर ऑनर एनाकोंडा को किसी ने वहां से छुड़ा लिया। तो अनुराग, एक होटल मैनेजर के प्रति ऐसा करना तो बहुत ही सरल है, क्योंकि एक मिनट मिस्टर पाठक, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने ही सांप चुराया है? यकीन से नहीं तो संदेह के आधार पर तो कह ही सकता हूँ। सर मैं ऐसा क्यों करूँगा, ना ही मुझे सांप के बारे में कुछ पता है और ना ही मुझे इनमें इंटरेस्ट है। अब दिलचस्पी और इंटरेस्ट ना भी हो तो पैदा किए जा सकते हैं अनुराग जी। ये आपके हाथों पर जो निशान है, ये तो वैसा ही निशान है जैसा लोगों की उंगलियों में पड़ता है जो अंगूठी पहनने वाले होते हैं, अगर वो अचानक अंगूठी पहनना बंद कर दें तो। बट ये होता है कि आप पहले इस हाथ में घड़ी पहनते थे, किंतु किसी कारणवश आपने अचानक घड़ी पहनना बंद कर दिया। कहीं आपकी घड़ी टूट तो नहीं गई किसी कारण, किसी ऐसे स्थान पर, संभवतः उसी स्थान पर जहां एंडी पिपकिन की हत्या हुई थी, जिसका ये अर्थ निकलता है कि हत्या आपने की। क्या कह रहे हैं सर, मैं भला एंडी को क्यों मारूंगा? केवल एंडी पिपकिन की नहीं, पूरे जगासिया परिवार के सदस्यों की हत्या आपने की है। योर ऑनर, सबके जाने के बाद अर्नव जगासिया परिवार जगासिया उद्योग के मालिक बनते थे, किंतु उनकी भी हत्या कर दी गई। अब उनकी हत्या के पश्चात, चूंकि अर्नव का विवाह विच्छेद हो चुका था, वो एक डिवोर्सी थी, योर ऑनर जगासिया उद्योग की सीधी मालकिन प्रणाली बन जाती थी। और उस रूप से देखा जाए तो मिस्टर रस्तोगी, क्यों मिस्टर रस्तोगी? मिस्टर पाठक, आप इन पर शक कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले आप मिस्टर अर्नव पे शक कर रहे थे कि उन्होंने अपने भैया और भाभी को मार डाला ताकि सारा एम्पायर उनका हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? अर्नव जी की तो मौत हो गई। और इंस्पेक्टर पवार भी यही कह रहे थे कि मिस्टर पाठक जिन जिन पर शक करते हैं वो बेचारे, और अभी आप मिस्टर अनुराग पे शक कर रहे हैं, मतलब ये भी। भगवान न करे ऐसा हो, कुछ आपके साथ हो, मैंने आप पर संदेह किया और आप हमारा दोषी छूट जाएगा। सर, क्या सबूत है कि इन सब के पीछे मैं हूँ? ये एनाकोंडा जो आपके घर से प्राप्त हुआ है, जो कथन दिया पुलिस को, उसमें आपने कहा था कि एनाकोंडा आपके बाथरूम के बाथटब में था, जिस जो पानी से भरा हुआ था। अरे, मैंने बताया कि पूरा बाथरूम तहस नहस था। तो वो सब इस बेचारी सांप ने नहीं, आप ही ने तो किया। योर ऑनर, इनका ये कथन है कि इतना बड़ा एनाकोंडा इनकी बाथटब में था जो पानी से भरा हुआ था। जब हमने इनके बाथरूम के बाथटब का निरीक्षण किया तो वो पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। योर ऑनर, अब इतना सामान्य ज्ञान तो किसी बच्चे में भी होता है कि इतना बड़ा सांप अगर बाथटब में हो तो पानी छलक कर बाहर आ जाएगा। योर ऑनर, बाथटब पूरा पानी से नहीं भरा होगा, जबकि नल भी योर ऑनर बंद था। जिसका ये अर्थ होता है कि ये एनाकोंडा आपके घर के बाथरूम के बाथटब में नहीं था, आपके घर की किसी अन्य जगह पर था जहां से आप इस बेचारी सांप का संचालन कर रहे थे, किंतु जब अचानक ये सांप संतुलन से बाहर हुआ और इसने आपकी पत्नी प्रणाली पर प्रहार किया, तब आप मजबूर हो गए पुलिस को इत्तला करने पर। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो ट्रॉली इनके घर से बरामद नहीं हुई है। गलत इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, पुलिस ने इन्हीं के घर के बरामदे से वो ट्रॉली प्राप्त की है। इम्पॉसिबल, वो ट्रॉली हम दोनों ने मिलकर छुपा दी थी। क्या छिपा दिया था? चलिए, छिपाया कहीं भी, उससे हमें क्या मतलब। ये तो पता चल गया कि ये हत्याएं सारी आप ही ने की है। क्यों की है? कसूर अनुराग का नहीं, सारा कसूर मेरा है। मैंने ही ये सारी प्लानिंग की थी अपने भाइयों के खिलाफ। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। डॉन, चार साल पहले मैंने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर अनुराग से शादी की। ये एक साधारण से होटल में मैनेजर का जॉब करता था,
और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी थी। प्यार का हैंगओवर उतरने के बाद जब मैंने हकीकत की जिंदगी जीनी शुरू की तो मुझे समझ में आया कि एक छोटी सी नौकरी से जो लाइफस्टाइल मैं शादी के पहले जी रही थी वो अब जीना मुश्किल था। इस बीच मेरे बहुत ही दबाव डालने के बाद अनुराग ने बैंक से लोन लेकर एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसमें भी हमें जबरदस्त घाटा हुआ। किसी तरह बैंक का लोन तो चुकाना था ना, इसलिए मैं सबसे पहले केशव भाई के पास गई। प्लीज, 30 करोड़ की रकम तो आपके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अगर हमने बैंक का लोन आधा नहीं चुकाया ना, हमारा घर नीलाम हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा ना, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं नहीं कर सकता, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में देखते हैं। लेकिन योर ऑनर, केशव भाई ने मेरी एक नहीं सुनी। 30 करोड़ तो क्या, उन्होंने तो 3 लाख देने से भी मना कर दिया। बस जैसे ही मैंने उस दिन उस एनाकोंडा को देखा, मैंने कसम खा ली कि जिस जू के लिए मेरे भाई ने मेरी मांग मानने से इनकार कर दिया, अब वही सपना उनकी जान लेकर रहेगा। और उस दिन फिर करसन भाई ने भी खुलेआम उन्हें सांप की धमकी दे दी। अरे एनाकोंडा मुझ पर क्या छोड़ेगा सांप? अरे ये सांप एक दिन तुम्हारी जान ले लेगा। आउच! मेरा इरादा और पक्का हो गया और मैंने अनुराग को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। योर ऑनर, उस दिन मेरी भाभी से बात हुई थी और उन्होंने बताया कि 13 जनवरी की रात को वो अपनी मम्मी के घर जा रही है। मैं भी भाई के घर पहुंच गई और केचली मिस्टर कापड़िया के घर से कैसे बरामद हुई? फिर उसे भी मैंने ही वहां रखा था। उस दिन जब बक्सा तोड़कर मैंने एनाकोंडा को बाहर निकाला तो उसकी केचली उसी में थी। मैंने उसे अपने पास संभाल कर रखा और मौका देखते ही चुपचाप करसन भाई के यहां छोड़ आई। किंतु उसके पश्चात बाकी हत्याएं करने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी? मैंने केशव भाई को एनाकोंडा से मरवाया, इसकी भनक लावण्या भाभी को हो गई, लेकिन वो नाराज होने की बजाय खुश हो रही थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है प्रणाली, जो आज तक मैं सिर्फ सोचती ही रही, कभी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, तुमने एक चुटकी में कर दिया। गुड, डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, बस मेरा एक आखिरी काम कर दो। जिस तरह तुमने अपने पापी भाई को मार डाला, उसी तरह उस डायन नताशा का भी काम खत्म कर दो, जिसने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। फिर 30 करोड़ तुम्हारे। आफ्टर ऑल, जगह से इंडस्ट्रीज की मालकिन अब मैं ही तो हूं, और ना चाहते हुए भी मुझे नताशा को मारना पड़ा। पैसे? मैंने पुलिस को अभी तक ये सच नहीं बताया कि असली कातिल तुम हो। ये क्या काम है? जाओ, मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। ये बात मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं लावण्या भाभी को भी उसी तरह मारूंगी जैसे मैंने नताशा को मारा है। लेकिन नताशा को मारने के बाद जब मैं ट्रॉली वहां से ले जा रही थी तो अनुराग और मैंने एनाकोंडा के अंदर एक ट्रैकिंग चिप सेट किया था ताकि मैं कहीं भी रहूं मुझे पता लगे कि एनाकोंडा कहाँ है।
लेकिन उस दिन गार्डन से निकलने के बाद थोड़ी ही देर में उस ट्रैकिंग चिप के सिग्नल आने बंद हो गए। अच्छा, तो यही कारण था कि आपने एंडी पिपकिन के होटल के कक्ष से उसका एनाकोंडा चुराया। हाँ, अनुराग ने एंडी के कमरे में दूसरे एनाकोंडा का बक्सा देख लिया था, इसीलिए उसने वहां से एनाकोंडा चुरा लिया और उसी एनाकोंडा से हमने लावण्य भाभी को मार दिया। तो मुझ पर क्यों प्रहार करवाया आपने उस एनाकोंडा से? क्योंकि मुझे पता था आप जल्दी सच्चाई तक पहुंच जाएंगे, इसलिए मैंने आपको खत्म करने का इरादा बना लिया था। लेकिन उस चक्कर में वो एंडी वाला एनाकोंडा मारा गया। लेकिन फिर एंडी को एनाकोंडा से किसने मरवाया मिसेस रस्तोगी? क्योंकि एनाकोंडा तो आपकी गिरफ्त से भाग चुका था। योर ऑनर, अचानक एक दिन उस ट्रैकिंग सेट का सिग्नल आने लगा, तो उसी समय अनुराग वहां जाकर एनाकोंडा को कैद करके आ ही रहा था कि एंडी वहां पहुंच गया। क्या है इस ट्रॉली में? अ मिनट। मुझे पता था कि अगर एंडी को जिंदा छोड़ दिया तो वो सबके सामने सच उगल देगा, इसलिए उसे मारने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और अर्नब की गाड़ी की डिक्की में भी उस एनाकोंडा को मैंने और अनुराग ने ही डाला था। क्यों क्या? क्योंकि अर्नब के पास भी मैं गई थी पैसों की भीख मांगते हुए। अर्नब, अब तो तुम पूरी कंपनी के अकेले ही मालिक हो, क्या तुम मुझे 30 करोड़ की छोटी सी रकम नहीं दे सकते? अरे प्रणाली, मैं सब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आप फिर इस एनाकोंडा को अपने घर ले आए और अपने षड्यंत्र का शिकार होने ही वाली थी। आगे की कहानी तो हम सबको पता है। द डिफेंस प्रेस चार्ज। यह अदालत करसन भाई कपाड़िया पर लगे सभी इल्जामों से उन्हें मुक्त करती है और प्रणाली रस्तोगी और अनुराग रस्तोगी को सभी हत्याओं का जिम्मेदार ठहराते हुए हिरासत में लेने का हुक्म देती है और एनाकोंडा को इंडिया से ब्राजील वापस डिपोर्ट करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।